वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक्स टीम्स। लीग वन का मैच होने वाला है नेंटिस वर्सेस सीएमएफ के बीच, तो ये मैच काफ़ी सही है। मतलब बाकी टीम्स तो अभी फुटबॉल में मतलब अनएक्सपेक्टेड मैच जा रहे थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट के हिसाब से जाएगा। नेंटिस मैच मतलब नेंटिस टीम बहुत ज़बरदस्त है, तो बात करें ये मेरा टेलीग्राम चैनल, देखते हैं कौन सी टीम ओपन देनी। बिकॉज अभी मैं आपको जो नेक्स्ट टीम ओपन दूंगा लिटरली वो मतलब मैं आपको बहुत ही सेफ टीम देने वाला हूँ नेक्स्ट, जिसमें आप मतलब क्लीन स्वीप के चांस ज़्यादा हो। तो बात करें हम इस वीडियो के अंदर, किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मैच की। नेंटिस वर्सेज सीएमएफ के बीच जो मैच होगा, इसमें मैं नेंटिस को फेवर कर रहा हूँ, और नेंटिस का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो आपके 100% काम आएगा। शायद ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में बताओगे कि बहुत ज़बरदस्त गया मैच, अगर मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा है वो हुआ तो, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। बाकी देखते हैं यार, बाकी कुछ नहीं पता। बात करें गोलकीपर की, तो यहाँ पर एक प्लेयर है जिसका नाम है आर्थर डेस्मस। आर्थर डेस्मस को लेने के पीछे का कारण है सिर्फ एक कारण, जो मतलब कारण है उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी सेवर। ओपोनेंट टीम के पास पेनल्टी टेकर है जो कि पेनल्टीज़ बहुत आती हैं। एल ब्यास कम से कम 90% पेनल्टीज़ पे किक करता है और गोल हासिल करता है, जबकि आर्थर डेस्मस अगर उनको रोके तो अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होगा। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे लूँगा एंड्रिक गिरोटो को। इसको गोल करता देख सकते हो आप, पिछले मैच में लोगों ने लिया नहीं क्योंकि मोनाको टीम तेज थी, लेकिन आज के मैच में गिरोटो गोल करता देख सकते हो, क्योंकि गिरोटो भी एक सेकेंडरी पेनल्टी टेकर है। बहुत बड़ी बात है कि एक डिफेंडर को सेकेंडरी पेनल्टी टेकर का दर्जा देना। सीएमएफ का प्लेयर है एक वीएन सिम्बा, इसको मैं ट्राई नहीं कर रहा, पिछले मैच में गोल कर गया, इट्स अनएक्सपेक्टेड, बट कोई बात नहीं। और एफडी सिल्वा को लूँगा मैं उसकी जगह। फैबियो डी सिल्वा द सेकेंड मतलब नेक्स्ट टीम का जो मतलब सेकेंड डिफेंडिंग पे रहेगा, तो डी आपिया जो है वो हेल्प के तौर पर एज ए थर्ड डिफेंडिंग खेलेगा। जबकि अगर कुछ होता है तो मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा असिस्ट पे डैनिस अपिया पे है, एंड वन अनदर प्लेयर एज अ फोर्थ डिफेंडर निकोलस, तो ये भी मतलब इधर ही रहेगा। तो ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं, चारों की प्लेयर्स जो अगर एक भी मिस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो इसलिए प्लेयर को ड्रॉप मत करना। आगे से बात करें मिडफील्डर की, एल ब्लास इज द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर प्लस पेनल्टी टेकर। दिखने में मिडफील्डर है बट है स्ट्राइकर। सिमन की बात करें, सिमन हद से हद कुछ भी करे तो करेगा असिस्ट, उसकी जगह अगर आपको लेना तो यहाँ से एक प्लेयर है पी चिरीवेला चल सकता है आज के मैच के अंदर, वो इसलिए क्योंकि चिरीवेला को चांस नहीं मिल रहा। पिछले मैचेस में जब चांस दिया तो इस बंदे ने इतने गोल किए थे कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो अगर ये नहीं खेलता तो हम मैट सिमन के साथ इस प्लेयर के साथ सेफ जाएंगे, मोहसिस सिमन के, लेकिन अगर नहीं खेलता देन तब तक के लिए। रिशानी की बात करें, देन यहाँ से लूँगा एल्बा रिशानी को। रिशानी वैसे बढ़िया प्लेयर है, पिछले मैच में लोगों ने वाइस कैप्टन रखा होता विदाउट एनी रोल, मतलब कोई रोल ही नहीं था प्लेयर का। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, गैस्टियन को लूँगा। जोहन गैस्टियन असिस्ट के लिए अच्छा है, गोल का एक्सपेक्टेशन करोगे तो गलत है दोस्तों, गोल वगैरह नहीं हो सकता। मतलब करेगा तो अच्छी बात है, अपनी टीम में है वो बात नहीं है। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, आर कोलोमवानी पिछले मैच में फ्लॉप हुआ बट आज चलने के बहुत आसार हैं, क्योंकि अपनी टीम को यहाँ तक पहुंचाने वाला भी इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है इस प्लेयर का। एम बाओ की बात करूं, एम बाओ लिटिल बिट कुछ मैचेस में चलता है, गोल भी दिखा सकता है अगर अनएक्सपेक्टेड ऑपोजिट टीम का गोल हुआ तो। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है ब्लास, वाइस कैप्टन है आर कोलोमवानी। यही मेरी टीम, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।